एक बजने को आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सही से होंगे और मज़े में होंगे अपने अपने घर में। तो लंच करके हो चुके हैं फ्री, एक बजने को आए हैं और 3 बजे की हमारी बस है। मेरे थोड़े से कपड़े पैक करने बाकी है और दिया को उसके डैडी के साथ सुला दिया है क्योंकि दिया की तबीयत खराब हो गई है। फीवर रात को था, 5 बजे फीवर था और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो उसे दिखा के आए, उसके डैडी के साथ भेजा था दिखाने डॉक्टर को। दवाई दी है, इन्फेक्शन वगैरह बोला है कि इन्फेक्शन हो गया है। वो शादी में ग्रेप्स उसको सूट नहीं कर रही है, जब भी ग्रेप्स खाती है ना वो बीमार होती होती है। सो ऐसा कुछ रहा है, डॉक्टर ने तो इन्फेक्शन ही बोला है, इन्फेक्शन ही है और कुछ नहीं है, दवाई से आ जाएगा। तो आज की हमारी बस है, हैरान नहीं हुई मैं तो। चिराग से बोल रही थी कि एक दिन लेट चले जाते हैं क्योंकि पहली तारीख का मंडप है और दूसरी की शादी है। सो चलेगा, एक दिन लेट जाएगा, पर बोला कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। सो चलते हैं, थोड़े बहुत काम है वो निपटाते हैं। तो लंच भी जल्दी ही बना लिया था क्योंकि काम वगैरह सा था, सो जल्दी बना ले। दिया ने तो कुछ खाया ही नहीं है क्योंकि उसको अच्छा नहीं था, सुबह एप्पल ही खाया था, बाकी कुछ नहीं खाया। और अभी वो सो गई है दवाई लेके, क्योंकि दवा का असर होगा तो अच्छा हो जाएगा। सो उसे सुला दिया है, उठ के उसे खाना खिलाऊंगी, कुछ खाएगी तो। सो ऐसा कुछ रहा है, अभी थोड़े से काम बाकी है वो कर लेते हैं, बाद में आपसे मिलते हैं बस में डायरेक्ट। हम पहुँच चुके हैं सूरत और दिया की तबीयत खराब है, बुखार है। क्यों? एक बार वॉमिट भी हुई, अभी दवाई मंगवाई है, दवाई ले लेगी तो अच्छा हो जाएगा। कुछ खाया पिया कुछ भी नहीं है। क्यों दिया? अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, कोई नहीं, अच्छा हो जाएगा। 6:15 गए हैं और अभी हम पहुंचने वाले हैं उधर। यहाँ पे दिया सो रही है, बहुत ठंड है यहाँ पे, तो अभी बहुत जाएंगे। सही हो? चुप खाई से इस व्लॉग ला टाक आनो व्लॉग बनान चार्ज बोल जा। कितना चार्ज है? अच्छा तो हिंदी में आ गया। कितना? मैं मैसेज देता हूँ तुम सब्सक्राइब। दिया की मेहंदी देखो, दिया मेहंदी करने लगी है, उसने की हुई थी उसके ऊपर ऊपर वो कर रही है। क्यों? मेरा दिखाओ। ये वीर है, जासी भी मेहंदी लगवा रही है, दिखाओ जासी। यहाँ पर मम्मी रील बना रही है। जैसी जैसी यहाँ पे दिया स्वयं और तक्षवी खेलते हुए। स्वयं 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 ये चिराग हमारे खेत पे गए थे जिस दिन हम पहुंचे थे पैदल, उसी दिन वो खेत पे गए थे देखने के लिए सब कुछ के क्या क्या है। सो ये वीडियो उन्होंने शूट किया है तो आप देख सकते हैं। इधर एक है, इधर 3 है। दूर से बहुत छोटी दिखती है पर नजदीक जाओ तो बहुत बड़ी दिखती है। ये देख लीजिए,
मेरी फार्म के बाजू में पवन चक्की है, बहुत सारी है। बहुत सारी पवन चक्की है। ये पवन हवा जब आती है तब घूमता है और इससे बिजली उत्पन्न होती है, बहुत सारी लगाई हुई है। ये बोर के झाड़ इसे आते हैं, इस ये खाने में बहुत मीठे लगते हैं, बहुत सारे हैं। इसमें काटा लगता है, तोड़ने जाओ तब बहुत काटा लगता है। यहाँ पे कॉटन है, इसको कॉटन बोलते हैं, इसको कॉटन बोलते हैं। ये पपीते का झाड़ है, देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े पपीते हैं। अभी और बड़े होंगे और पकेंगे तो अच्छे लगेंगे। और ये है मैंगो का ट्री, ये बड़ा होगा तो इसमें मैंगो आएगी। अभी तो 2-3 साल लगेंगे इसे बड़ा होने में और मैंगो आने में। और ये है कोकोनट ट्री, आप देख सकते हैं ये भी थोड़ा सा छोटा है, अभी और बड़ा होगा तो उसमें कोकोनट भी आएंगे। यहाँ पे दाड़ा में इसमें फूल लगने चालू हो गए हैं, अभी इसमें दाड़ा में आएंगे। ये जमरूक का ट्री झाड़ है, ये इसमें आ रहे हैं, अभी छोटे हैं अभी। हाँ, ये देखो आपको अंजीर का ट्री दिखाता हूँ, अंजीर का झाड़ दिखाता हूँ आपको। तो ये छोटे छोटे टमाटर आ रहे हैं। ये अंजीर का पेड़ है, देख लीजिए, ये जो लगा है ना वो अंजीर है, बहुत सारे हैं, अभी कच्चे हैं। बहुत सारे ये हरा पुदीना, ये संतरा लींबू है, लींबू है, लींबू लेमन ट्री है, ये पूरा लेमन ट्री है। ये देख रहे हो इसमें बैंगन आते हैं, इसमें बैंगन आते हैं। ये पूरा एक कुआ है हमारा, ये पूरा पुदीना है, यहाँ से बहुत अच्छा गुलाब आ रहा है। ये हमारा फार्म है, ये चीकू है, इसमें भी बहुत अच्छे चीकू आते हैं। देख लीजिए ये इसमें चीकू आया, राजू बहुत सारे चीकू आते हैं, बहुत बड़ा है, 2 ट्री है। ये जीरा है और इसके सामने लाल मिर्च, इसको सूखा करते हैं। ये सब लाल मिर्च है, देख लो, इसको तोड़ के सुखाते हैं धूप में, फिर बाजार में ले जाते हैं। ये पूरी लाल मिर्च है। 6:30 बजने को आए हैं, शाम के चुकी है शाम यहाँ पे, और हम घर पे पहुँच चुके हैं फाइनली 3-4 दिन के बाद, और शादी वगैरह सब कुछ ख़त्म करने के बाद। सो आगे की क्लिप जो आपने देखी वो अगले 2 दिन की थी, जब हम गए थे
शादी में, और पिछली दो दिन की क्लिप मैं अलग से व्लॉग में डालूंगी, क्योंकि क्या है ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा देखने में। सो दो दिन हम डिवाइड कर देंगे क्लिप वगैरह, सो आप देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा और हमें भी बहुत मज़ा आया वेडिंग में। रील्स शूट की, बहुत कजिन्स के साथ मज़ा किया, मस्ती की, क्योंकि क्या है ना बहुत दिन बाद हम सब मिले थे एक साथ, क्योंकि ऐसे ही कुछ होता है फंक्शन वगैरह तो ही कभी मिलना होता। तो 9 बजे हम पहुँचे थे सुबह, और फिर नहाए धोए सब, थोड़ा बहुत काम किया, फिर लंच बनाया, बाद में सो गए, क्योंकि क्या है ना बस में नींद नहीं होती इतनी, क्योंकि दिया को तो अच्छा था, बस में सो गई थी, वो थक गई थी इसलिए, वो उसने भी बहुत एंजॉय की शादी। सो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी बीच में, तो अभी तो अच्छा है थोड़ा। और मंडप मुहूर्त और हल्दी और संगीत वगैरह शादी वगैरह वो एक व्लॉग में आप देखेंगे, जो मैं कल डालूंगी, अभी एडिटिंग करना बाकी है, क्योंकि क्या है ना वहाँ पे तो टाइम ही नहीं मिला एडिटिंग करने का, और सब इकट्ठा होते तो क्या एडिटिंग करने बैठना, घर जाके वही करना है। सो एंजॉय कर लिया सबके साथ, अभी सभी क्लिप वगैरह देखनी पड़ेगी, क्योंकि 2-3 दिन ऐसे क्लिप ही शूट की है, कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं की है, तो अभी 2-3 दिन लगेंगे। और हाँ थोड़ा सा व्लॉग एडिट कर लिया है, वो आप देखेंगे, सो ये एंजॉय कीजिए, बाद में शादी वगैरह का व्लॉग कल आएगा तो वो एंजॉय कीजिए। आपको मैं 100% कहूँगी कि आपको बहुत मज़ा आएगा, जितना हमने एंजॉय किया उतना ही आपको भी मज़ा आएगा देखने में। और हाँ मज़ा आया, सो ऐसा ही रहा कुछ आज का दिन। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ, तब तक के लिए बाय, हर हर महादेव।